अगर आपसे पूछा जाए कि निफ्टी कब 77,000 के लेवल पर पहुंचेगा तो आप क्या कहेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम आपको एक दिलचस्प फैक्ट बताते हैं। अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी की हिस्टोरिकल वैल्यू को देखें तो आपके सामने हैरान करने वाला आंकड़ा नजर आएगा। हर 10 साल पर निफ्टी पिछले दशक के सेंसेक्स की वैल्यू के करीब पहुंच जाता है। 1995 में सेंसेक्स करीब 3,470 पर था, तब निफ्टी 1,000 पर था। मार्च 2006 तक निफ्टी 3,470 पर पहुंच गया था। ये एक दशक पहले सेंसेक्स का लेवल था। मार्च 2006 में सेंसेक्स 11,580 पर पहुंच गया था। अब सवाल ये है कि क्या निफ्टी 2028 में 38,000 पर होगा? अब हम 2018 में आ जाते हैं, तब निफ्टी 11,580 पर पहुंच गया था। ये करीब एक दशक पहले का सेंसेक्स का लेवल था। 2018 में सेंसेक्स 38,400 पर पहुंच गया था। अब बड़ा सवाल ये है कि निफ्टी 2018 के सेंसेक्स के 38,400 के लेवल पर कब पहुंचेगा? क्या निफ्टी इस रिकॉर्ड ऊंचाई पर 2028 में पहुंच जाएगा? एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया ने कहा कि करंट बुल रन में इंडियन मार्केट 15-16% कंपाउंडेड रेट के साथ बढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से सेंसेक्स से निफ्टी करीब 3.5 गुना कम रहता है। 15% ग्रोथ रेट का मतलब है कि निवेश एक दशक में 3 गुना हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस ग्रोथ पैटर्न के साथ निफ्टी 2028 में 38,000 तक पहुंच सकता है। ये सेंसेक्स का 2018 का लेवल था। अब एक बार फिर हिस्टोरिकल ट्रेंड रिपीट होने की उम्मीद है। वेल्थमिल सिक्योरिटीज में इक्विटी स्ट्रेटजीज के डायरेक्टर क्रांति बैथिनी का मानना है कि बाजार की मौजूदा स्थिति को देख हिस्टोरिकल ट्रेंड के रिपीट होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इंडिया सर्विस आधारित इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग आधारित इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। इस ट्रेंड के जारी रहने पर इकोनॉमी में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। आइए जानते हैं कि कितनी रह सकती है निफ्टी की ग्रोथ। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का मानना है कि फिजिकल ईयर 2025 में निफ्टी 50 की साल दर साल ग्रोथ करीब 13% रहेगी। इसमें BFSI, ऑयल एंड गैस, मेटल्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर का बड़ा हाथ होगा। इनका निफ्टी की इंक्रीमेंटल इनकम में 75% हिस्सेदारी हो सकती है। हाल में मॉर्गन स्टेनली के रिदम देसाई ने CNBC TV18 से बातचीत में कहा था कि इंडिया को लेकर उनका आउटलुक पॉजिटिव है। वो इंडिया की ग्रोथ को लेकर भी उत्साहित है। खास बात यह है कि केंद्र में भले ही NDA की सरकार बनी है जो सहयोगी दलों पर निर्भर है, लेकिन इस सरकार का नेतृत्व अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जेफरीज ने हाल में इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यू का अनुमान लगाया था। उसने कहा था कि इसकी वैल्यू 2030 तक $10,00,000,000,000 तक पहुंच जाएगी। उसने मार्केट के डबल डिजिट रिटर्न और सरकार की तरफ से जारी इकोनॉमी रिफॉर्म्स का जिक्र भी किया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अब WhatsApp के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। WhatsApp चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।